नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। लगातार यहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर कार्रवाई हो रही है। 36 लाख रुपए उनके दिल्ली आवास से बरामद हुए हैं और लगातार ईडी की कार्रवाई से वो परेशान हो चुके हैं और अब यहाँ पर उन्होंने ईडी के सामने आने का फैसला ले लिया है। और देखा जाए तो कुछ ऐसे हालात यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार यहाँ पर लटकी हुई है। हालांकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फंसाने के इरादे से यहाँ पर हमारे खिलाफ मामले दर्ज करती है, यहाँ पर हमारे नेताओं को गिरफ्तार करती है ताकि लोकसभा चुनावों में उनकी गति कम हो सके। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल का कहना है कि उनकी गति कम नहीं होने वाली, वो लगातार यहाँ पर केंद्र सरकार के अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर अब पांचवें समन की तैयारी की जा रही है, यानी अरविंद केजरीवाल को अब यहाँ पर पांचवा ईडी का समन भेजा जाएगा और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जैसी हालत अब यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की होने वाली है। पहले ही उनकी पार्टी के दो बड़े नेता या कह लीजिए कई सारे बड़े नेता यहाँ पर ईडी की चपेट में हैं, जेल यहाँ पर काट रहे हैं, लगातार अपनी बेगुनाही पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक राहत यहाँ पर किसी को भी नहीं मिली है। आबाकारी नीति जिसको माना जा रहा है कि जिसकी शुरुआत शायद आम आदमी पार्टी के पतन के लिए यहाँ पर हुई थी, उसमें कई सारी अनियमितताएं थी, उसको देखते हुए यह शिकायत हुई और उसके बाद लगातार जेल में जाने का सिलसिला आम आदमी पार्टी के नेताओं का चालू हो गया और अब यही सिलसिला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तक आकर रुक सकता है, ये बात लगातार कही जा रही है। क्योंकि अब हेमंत सोरेन पे भी लगातार कार्रवाई हो रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब हेमंत सोरेन के बाद अगला नंबर यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो अरविंद केजरीवाल का है, यानी दिल्ली की सियासत में अभी और हंगामे होने वाले हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।